नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके पास ओप्पो का A78 है या 77 है, ओप्पो का ए सीरीज़ का कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप फाइल ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं या फिर वीडियो वगैरह जो भी ट्रांसफ़र करना है अपने मोबाइल से पीसी में। तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एक केबल चाहिए जो आपके पोर्ट में लग जाए एक, और एक आपके पीसी में लग जाए, ठीक है। तो इस टाइप की एक केबल चाहिए, तो एक को मैं अपने फ़ोन में कनेक्ट कर लूँगी और दूसरा मैंने पीसी में लगा दिया अपने, तो एक मैंने पीसी में लगा दिया। तो इस टाइप से ऑप्शन आ जाएगा आपके फ़ोन पे। अगर ये ऑप्शन गायब हो गया है तो आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो सिस्टम यूआई का ऑप्शन आ जाएगा, सिस्टम यूआई पे क्लिक करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आप अपने आप अपने सिस्टम पे जाते हैं और दिस पीसी पे क्लिक करते हैं, तो दिस पीसी पे अभी आपको इस टाइप से ऑप्शन देखने को मिल रहा है। और अगर आपका ये ऑप्शन गायब हो जाता है तो ये सिस्टम यूआई का ऑप्शन है जो, इस पे क्लिक करेंगे, चार्जिंग दिस डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो इसको फाइल ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फाइल ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका जो ओप्पो का डिवाइस है वो आ गया है, ठीक है। तो अभी मेरे पीसी में विंडो 11 अपडेट आ रखा है, तो इस वजह से विंडो 11 का इंटरफेस कुछ इस टाइप का दिखता है। ये विंडो 10 नहीं है, विंडो 10 में आपको पता ही चल जाएगा, दिस पीसी पे जाके आपको इस टाइप से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अभी आप यहाँ पे अपने डिवाइस पे दो बार क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर DCIM का ऑप्शन है, एक फोल्डर है DCIM, इस पर क्लिक करेंगे। कैमरा पर क्लिक करना है दो बार, तो यहाँ पे कैमरा से रिलेटेड जितनी भी फ़ोटो वीडियो वगैरह है इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगी ऐसे करके, और इसको मैं डायरेक्ट कट पे क्लिक करूँगी, कॉपी नहीं करना मेरे को। अगर कॉपी करेंगे तो एक कॉपी आपकी यहाँ रहेगी आपके मोबाइल में, एक आपके पीसी में कॉपी आ जाती है। तो अभी मैं कॉपी पे क्लिक नहीं करूँगी, डायरेक्ट कट करूँगी ताकि मेरी सारी जो फ़ोटो वीडियो है मेरे फ़ोन में पीसी में आ जाए, फ़ोन से डिलीट हो जाए। तो मैंने कट कर लिया है और इसको मैं मिनिमाइज़ करके कोई भी एक फोल्डर जिसको मैं चूज़ करूँगी या फिर एक नया फोल्डर मैं बना लूँगी, तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके फोल्डर पे क्लिक करके एक फोल्डर का नेम डाल देंगे और इसके बाद इसको ओपन करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आपके पीसी में भी विंडो 11 का अपडेट आ रखा होगा तो आप अपडेट कर लेंगे। तो इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मूव हो रहा है, वेट कर लेंगे, जितना भी टाइम लगेगा वेट कर लेंगे। तो इस टाइप से ये मूव हो रहा है, इस जो फॉर्मेट है इसको मैं यहाँ से इस टाइप से कॉर्नर से ऐसे कर देती हूँ, तो ये जो भी मेरी वीडियोस वगैरह है वो सब ऐसे आ जाएंगी, ठीक है। तो देख सकते हैं ये आ रहा है धीरे धीरे, और वेट कर लेंगे। तो जितनी भी फोटो वीडियोस थी वो ट्रांसफ़र हो चुकी है, देख सकते हैं। और अगर मैं जिस पीसी में वापस से जाके ओप्पो के मोबाइल पे क्लिक करके आपको दिखाऊं DCIM पे, तो देख सकते हैं कैमरा में कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी हो गया है। तो सब कुछ मैंने ले लिया है पीसी में, देख सकते हैं इस वाले फोल्डर में आ चुका है। और यही मैं अपने कैमरा की बात करूँ तो देख सकते हैं फ़ोन मेरा खाली हो चुका है। तो इस टाइप से आप फाइल फ़ोटो वीडियोस वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने मोबाइल से पीसी में। आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।